जिले के 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन को लेकर प्रवेश परीक्षा का क्रम प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा, प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय गोड्डा एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदर पहाड़ी में आयोजित किया गया। परीक्षा में शामिल होने को लेकर सुबह 7 बजे से ही सभी संबंधित विद्यालयों के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं का हुजूम जुटने लगा था। असमय परीक्षा केंद्रों को खोला गया। परीक्षा संपन्न होने के बाद केंद्र से बाहर निकलने वाले ज्यादातर छात्र छात्राओं के चेहरे खिले हुए दिखे। छात्र छात्राओं ने परीक्षा का पेपर आसान होने की बात कही। प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा में प्रवेश परीक्षा देने पहुंचे सुमित कुमार एवं माही कुमारी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं राज्य सरकार के इस पहल का आभार जताया। सबों ने एक सुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को थैंक यू सीएम सर कहा। अभिभावकों ने भी सरकार के इस पहल का स्वागत योग्य कदम बताया। कहा कि अब हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ेंगे और बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री एवं सरकार के इस नए पहल से अब हमारे बच्चे भी CBSE बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगे। जिले के 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय में नामांकन को लेकर कुल 1162 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 1056 छात्र छात्राओं ने आज प्रवेश परीक्षा दिया। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण एवं मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्र छात्राओं को जिले के प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा वर्ग 9, कन्या उच्च विद्यालय गोड्डा वर्ग 9 में एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदर पहाड़ी वर्ग 6 में नामांकन लिया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी की थी। उप विकास आयुक्त सह प्रभारी उपायुक्त श्री संजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा भी लिया। प्रवेश परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा में 669 छात्रों के स्थान पर 597 छात्रों ने किया। कन्या उच्च विद्यालय गोड्डा में 119 छात्रों के स्थान पर 104 छात्रों ने एवं कसमार स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदर पहाड़ी में 374 छात्रों के स्थान पर 355 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दिया।